देखिए बेटे, अपना आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम क्या है? घोड़ा गाड़ी आपने सुना होगा, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम जब घोड़ा गाड़ी को चलाता है तो उसके बीच में क्या क्या रिएक्शन होती है, कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, क्या कुछ है, एक बार आप देखिए। थ्योरी है, पूरी कहानी है, कहानी की तरह सुनना है, कहानी की तरह ही आपने नोट करना है। ठीक है, सुन लेना अच्छे से, हिंदी में सुनो, उसके बाद उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, क्या कुछ है वो देखिए। आर्टिकल का नाम मैंने क्या बताया, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये मान लीजिए बेटे कार्ट है आपकी गाड़ी है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ये मैंने कार्ट मानी और ये बोल देता हूं बेटे हॉर्स है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा मेरा ऐसा ही बनेगा, ये गाड़ी है, ये हॉर्स माना आपने। ठीक है बेटे, गाड़ी का जो वेट होता है, जो कार्ट है, इसका वेट कहाँ होगा? डाउनवर्ड। और देखो, आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ाया है, जिस बच्चे ने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है उसको पता है अगर उसका वेट डाउनवर्ड है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन होती है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, या ऑलवेज दो फोर्स एक्ट करते हैं। जैसे मैं अभी अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ हूं बेटे, मेरा वेट कहाँ है? डाउनवर्ड, और अर्थ मेरे ऊपर फोर्स कहाँ लगा रही है? अपवर्ड। ठीक है, दो फोर्स है सेम। इस गाड़ी का वेट W1 माना जो डाउनवर्ड है, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है? अपवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका हॉर्स है इसका वेट W2 है और नॉर्मल रिएक्शन क्या मान ली? R। आर्टिकल का नाम क्या है? हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये हॉर्स, ये कार्ट, घोड़ा गाड़ी। सबसे पहले क्या बताया आपने? W1 बी द वेट ऑफ कार्ट, R1 बीट्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या वर्ड है बेटे? नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर। नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जैसे मेरा हाथ नजर आया, इसका नॉर्मल ये है। अगर मैं इस हाथ की पोजीशन को चेंज करूंगा तो नॉर्मल भी ऑलवेज अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल वर्ड जब भी आता है, नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का। आप इसको जैसे भी घुमाओगे वैसे सरफेस घूमता चलेगा, तो नॉर्मल भी आपका मूव। अब आपको पता है वेट ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन कहाँ गई? अपवर्ड। इसका मीनिंग ये है, जितना W1 है उतना ही कौन है बेटे? R1 है। दोनों का जो वेट है वो क्या है? सेम है, W2 और R। बेटे घोड़े को गाड़ी से जिससे बांधा गया है, आपको पता है कोई ना कोई रस्सी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। और बेटे स्ट्रिंग जो वर्ड मैंने यूज किया, स्ट्रिंग, देखिए तीन फोर्स होते हैं, एक आप जनरली फोर्स बोलते हैं, एक थ्रस्ट वर्ड आता है, और एक आता है टेंशन। अब जैसे मैंने कहा मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, मैंने अर्थ पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड, अर्थ ने मेरे ऊपर लगाया अपवर्ड। इसी तरीके से जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसमें जो फोर्स लगता है जब इसको पुश या पुल करते हैं, जो घोड़ा जब गाड़ी को खींचेगा तो सुनिए बेटे, गाड़ी घोड़े को अपनी तरफ खींचेगी और घोड़ा गाड़ी को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। दोबारा अच्छे से सुनो, क्या कहता है? घोड़ा आगे गाड़ी को चलाने के लिए इस कार्ट को अपनी तरफ पुल करेगा, और गाड़ी इस हॉर्स को अपनी तरफ पुश करेगी, अपनी तरफ पुल करेगी। मीनिंग दोनों फोर्स लगा रहे हैं, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसके कारण मोशन आ जाएगा। बट अभी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो बेटे घोड़ा गाड़ी को जिस फोर्स से पुश कर रहा है, फोर्स तो बाद में लगाएगा, ये जो स्ट्रिंग है इस पे जो फोर्स लगा है उसमें टेंशन, स्ट्रिंग वगैरह में, रस्सी में फोर्स का नाम क्या बन जाता है? टेंशन। तो बेटे गाड़ी घोड़े को किस फोर्स से पुल कर रही है? टेंशन T से। और घोड़ा गाड़ी को किससे कर रहा है? फोर्स कितना है वो? T। दोनों बराबर होंगे इसलिए टेंशन, ये टेंशन, और दोनों एक टेंशन इसके कारण, एक टेंशन इसके कारण, दोनों का फोर्स आपस में क्या होगा? बराबर होगा, जो किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग के। इससे आगे चलते हैं, सुनो। इसके बाद देखो बेटे क्या कहता है, इतना क्लियर हुआ ना मैंने क्या बोला है? W1 बी द, ये अपने पास कार्ट है और ये कौन है? हॉर्स है। आर्टिकल का नाम क्या है? हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। घोड़ा जब गाड़ी को चलाता है तो क्या क्या रिएक्शन होती है? दोबारा देखिए,
W1 be the weight of cart, R1 be its normal reaction. W2 be the weight of horse, R2 be its normal reaction. Horse pulls the cart with a force T and cart pulls the horse with a force T. घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है टी टेंशन से, गाड़ी घोड़े को खींच रही है टेंशन टी से. इतना क्लियर. इसके बाद देखो बेटे, जब घोड़ा फोर्स लगाएगा वो तो रस्सी बंधी, घोड़ा एक्चुअल में फोर्स किससे लगाएगा? अपने पैरों से. और किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ये कहता है कि इसके पैर है, द हॉर्स अप्लाइज ए फोर्स एफ इन बैकवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा. और थीटा जो एंगल बनेगा वो किसके साथ बनता है बेटे? बेस के साथ. ठीक है, ग्राउंड के ऊपर मान लेना, बेस पे मान लेना, दोनों चीजें सेम है. ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कितना एंगल बनाएगा? ये मान लीजिए कितना एंगल बनाया थीटा, ये फोर्स लगाया. ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की है मैंने. और मैंने बताया न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है बेटे, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक एग्जांपल आपको मैंने करवाया था, मैन वॉकिंग. जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड अपने पैरों पे उतना ही फोर्स लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. जैसे तैरते हैं तो हाथों से पानी को हमने पीछे किया, हमने पानी पे फोर्स लगाया और पानी ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया तो हम कहां चले? आगे. तो सेम बेटे, घोड़े ने कितना फोर्स लगाया? एफ. कितना एंगल बना के? थीटा. तो बेटे अगर ये फोर्स लगा है जिसके अपोजिट भी दूसरा फोर्स आएगा, जिसको मैं रिएक्शन का नाम देके चल रहा हूं, तो इसके अपोजिट एक रिएक्शन हुई जिसका नाम आपने क्या बोल दिया? आर. ठीक है, रिएक्शन आर. बेटे अगर ये एंगल थीटा, देखो बेस दोनों है तो ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा. इस आर को रिजोल्व करो रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो बार बार कर रिजोल्व, अब तो आ गया होगा आपको कि वेक्टर क्वांटिटी को रिजोल्व करते तो एंगल वाले, एंगल के साथ वाली साइड ऑलवेज कोस आती है और उसके परपेंडिकुलर साइड ऑलवेज कौन जाती? साइन थीटा. इस आर को रिजोल्व करूंगा तो इधर कौन आएगा? आर कोस थीटा. और ये कौन आ गया बेटे? आर साइन थीटा. लगभग पूरा आर्टिकल हो चुका है. ठीक है, थोड़ा बचा है वो बताते हैं. देखो ये रोड, रोड के ऊपर ही गाड़ी चल रही है बेटे, और आपको पता होगा जब गाड़ी आगे चल रही है तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूर आएगा. अगर गाड़ी आगे चल रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूर आएगा अपोज करने के लिए सरफेस पर. और आप बताइए जब गाड़ी आगे चलेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा? उसके अपोजिट. यहाँ पर टायर के बीच में क्या था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसको लिख देता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एफ से, और टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे कैपिटल एफ से. अब पूरा आर्टिकल अपना कंप्लीट हो चुका है. फिर कहता हूं आप कहानी याद करो और उसको इंग्लिश बना के लिख दो, नोट करने की भी जरूरत नहीं है. देखो क्या कहते हैं, आपको जो नजर आ रहा है डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद आप अपना पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के. देखिए इसमें सबसे पहले बताया हमने W1 be the weight of cart, R1 be its normal reaction. W2 be the weight of horse, R2 be its normal reaction. ठीक है बेटे, हॉर्स पुल्स द कार्ट विद ए टेंशन टी, कार्ट पुल्स द हॉर्स विद ए टेंशन टी, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. वो आपको क्लियर नजर आ रही. नाउ द हॉर्स अप्लाई ए फोर्स एफ ऑन द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा. ठीक है, सो ए नॉर्मल रिएक्शन आर कम्स इन टू प्ले. इसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन आएगी. सो we resolve r into two components, one is r cos theta and another is r sin theta. हमने इस r को दो component में resolve किया है, एक component है r cos theta और एक component है r sin theta. अब आगे क्या कहता है? ये कहता है बेटे जो ये component है, ये दो component आए, अगर याद है आपको resolution में मैंने बताया था man walking के केस में, ठीक है second unit में, ये जो r cos थीटा कंपोनेंट आया, आप देखो गाड़ी चलेगी कहां? स्ट्रेट. तो जो ये कंपोनेंट है r cos थीटा, ये इस गाड़ी को मूव करवाता है, और जो ये कंपोनेंट है r sin थीटा, ये उस हॉर्स को बैलेंस प्रोवाइड करेगा, बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है कि ताकि आपका हॉर्स मोशन में आ जाए.
तो आपके पास r sin थीटा क्या प्रोवाइड करता है, मोशन प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है, बट r cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा बेटे, मोशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने पास मोशन जाता है। बेटे एक बार सुनिए, अब तो मैंने ज्वाइन कर दिया, ये रेडमी फोन 365 कनेक्ट हुआ नहीं, रेडमी नोट 6 प्रो और एक कौन है, हाँ बाकी सब, एक है DE75EA8D। बेटे ये जो भी बच्चे हैं ना, अपना नाम रिप्रेजेंट किया करो, यहाँ पर नाम से आया करो, एंटर हुआ करो। तो बेटे देखिए क्या कहा है हमने, r cos थीटा कंपोनेंट और r sin थीटा कंपोनेंट, अपने पास दो कंपोनेंट आ गए, r cos थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा, r sin थीटा इसको बैलेंस प्रोवाइड करेगा। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है आपकी गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। बेटे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन चला रहा है, कौन सा कंपोनेंट, r cos थीटा। ये कहता है मोशन तभी पॉसिबल है व्हेन r cos थीटा इज ग्रेटर इक्वल देन F, F का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहां पर है ये कहता है जो ये कंपोनेंट है आर कोस थीटा अगर बड़ा होगा किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, और बेटे मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मिनिमम अप्लाइड ऑफ फोर्स कितना चाहिए ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, वो कम से कम कितना होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। इसलिए हमने बोला आर कोस थीटा कंपोनेंट अगर बड़ा है तो मोशन पॉसिबल है ही है, और कम से कम कितना फोर्स लगे वो होता है इक्वल, r cos थीटा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है तब भी अपना मोशन आसानी से पॉसिबल होगा। अब ये सारा आपने याद रखना है, और जब आता है तो आपने नोट कर देना है, नोटबुक में करते हो तो नोटबुक में कर लेना बेटे, बट जैसे थ्योरी बताई, कहानी बताई, ऐसे लर्न करके आप लिख सकते। क्या बताया, W1 कार्ट का वेट है, R1 इसकी नॉर्मल रिएक्शन, W2 हॉर्स का वेट है, R2 इसकी नॉर्मल रिएक्शन, हॉर्स ने कार्ट को पुल किया टेंशन T से, कार्ट ने हॉर्स को पुल किया टेंशन T से, दोनों बराबर हैं और अपोजिट हैं। इसके बाद का हॉर्स ने फोर्स लगाया F बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपोजिट रिएक्शन आ गई R, इस R को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, R cos थीटा R sin थीटा, R cos थीटा कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा, R sin थीटा उसको बैलेंस प्रोवाइड करवाएगा। आपकी गाड़ी कब चलेगी, व्हेन r cos थीटा इज ग्रेटर इक्वल देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये था आज का पहला आर्टिकल। जो बच्चे कनेक्ट होने थे हो चुके हैं, अब देखिए दूसरा आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवा। इस आर्टिकल के बाद जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम करवाऊंगा। बेटे आर्टिकल बड़ा आसान है, अपेरेंट वेट पूछता है, अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी ऑफ ए मैन इन लिफ्ट। अपेरेंट वेट क्या होता है अभी बताता हूं। बटे लिफ्ट वर्ड बोल दे या एलिवेटर वर्ड बोले, दोनों सेम होते हैं। एलिवेटर लिफ्ट होती है ऊपर नीचे, ये वेट है, मैंने शॉर्टकट लिख दिया वेट, पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख लेना। अपेरेंट वेट, एक होता है एक्चुअल वेट और एक होता है अपेरेंट वेट। क्या मीनिंग है वो देखो, अपेरेंट वेट बटे क्या कहता है, अभी समझाता हूँ क्या कुछ कहीं। लिफ्ट की बात की, ये मैंने लिफ्ट बना दी, एलिवेटर बोलो चाहे लिफ्ट, और इसके अंदर ये एक वेगिंग मशीन है जो वेट मीजर करती है, मशीन जो आप लोग देखते हैं, वेगिंग मशीन जो वेट को मीजर करती है, ठीक है। अब ये आप खड़े हो गए इसके ऊपर, तो इस मशीन ने आपका जो वेट मीजर किया वो वेट आपका कौन सा वेट है, एक्चुअल वेट। अच्छे से सुनो, जो इस मशीन ने आपका वेट मीजर किया वो कौन सा वेट है बेटे, एक्चुअल वेट, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, जो मशीन ने वेट मेजर किया वो कौन सा वेट है, एक्चुअल वेट है। और वो वेट कहां लगता है, जैसे आपका वेट ये आ गया mg, इस mg को मैं बोलता हूं एक्चुअल वेट जो आपका मेजर, ठीक है। अब आपसे क्या कहा, बोथ इसके अपोजिट क्या आती है, एक नॉर्मल रिएक्शन आती है, वो कहां आएगी, ऊपर आएगी बेटे,
इस आर को मैं नाम देता हूं अपेरेंट वेट का और एम जी को नाम देता हूं मैं एक्चुअल वेट का नाम देता हूं। क्लियर है? जो ऊपर आर आर है इसको मैं किसका नाम दूंगा अपेरेंट वेट और इस एम जी को मैं किसका नाम दूंगा एक्चुअल वेट। अब सुनिए क्या कहा, ये जो मशीन रखी है ये मशीन कहां पर रखी है, लिफ्ट के अंदर। अब कहते हैं लिफ्ट ऊपर भी जा सकते, लिफ्ट नीचे भी आ सकते और अलग अलग मोशन भी हो सकते हैं। तो उस टाइम जब आप खड़े हो तो ये देख कहता है कि आप ये जो मशीन है ना, मशीन कितना वेट मेजर कर रही है, आप वो चीज देखो। ठीक है, अभी जब रेस्ट में है तो क्या होगा, मोशन में होगी तब क्या होगा, तो हमें वो चीज देखनी है। बट यहाँ पर हम एक इक्वेशन यूज करेंगे। सारे बच्चे अच्छे से सुनना, कहीं बिजी है तो मेरी बात सुनना बेटे। एक इक्वेशन यूज करेंगे जिसका नाम होता है नेट फोर्स। एक बार सुन लेना अच्छे से, नेट फोर्स क्या है। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे हाथी के दोनों दो बच्चों ने मेरे हाथों को पकड़ा, एक ने इधर और एक ने इधर, दोनों मुझे खींच रहे हैं, दोनों मुझे पुल कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा इधर और एक बच्चा इधर, तो आप मुझे ये बताओ मैं किधर जाऊंगा, इस साइड या इस साइड। तो आपका आंसर होगा सर जिस बच्चे ने ज्यादा फोर्स लगाया आप उसकी साइड चले जाओगे। मतलब अगर इस बच्चे ने ज्यादा फोर्स लगाया तो इधर, इस बच्चे ने ज्यादा फोर्स लगाया तो इधर। ज्यादा वर्ड सुना, ज्यादा, ज्यादा का मीनिंग क्या है, ये मैं था। ठीक है, एक बच्चे ने लगाया 3 न्यूटन फोर्स, एक ने लगाया 5 न्यूटन फोर्स। क्लियर है? तो मैं किधर मूव हुआ, आपने कहा सर इधर। क्यों मूव हुआ, क्योंकि ज्यादा फोर्स, ज्यादा कितना, ज्यादा कितना, ज्यादा। तो आपने क्या किया, 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन माइनस किया, आंसर 2 न्यूटन आ गया। कहता है 3 न्यूटन ने, अगर इधर भी 3 न्यूटन फोर्स होता तो बेटा मैं किधर जाता। आप बोलोगे सर किधर ही नहीं जाओगे, वहीं की वहीं रहोगे। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स, जो वर्ड बोल रहा हूं मैं, नेट फोर्स होता है बेटे, एक हिंदी का वर्ड बोलता हूँ, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा, एक्स्ट्रा कितना है, टोटल कितना है। तो देखो इधर भी थ्री कितना है बेटे, 0। और आपने जब कहा 5 और 3 है, तब नेट फोर्स कितना आ गया, 2 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स आपने याद रखिए, नेट फोर्स इक्वेशन को करूंगा तो नेट फोर्स सुनो दोबारा से, जिधर मैं चल रहा हूं, जिधर वो बॉडी चल रही है, वो फोर्स ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा। अच्छे से सुनना, जिधर मैं चल रहा हूं, जिधर वो बॉडी चल रही है, फोर्स लगा, जिस मेरे ऊपर फोर्स लगाया था, अगर मैं इधर चला तो बेटे ये वाला फोर्स ज्यादा, और अगर मैं इधर चला तो ये वाला फोर्स ज्यादा। लिफ्ट कहाँ है, ऊपर जाएगी या नीचे, अगर लिफ्ट ऊपर गई तो ऊपर वाला ज्यादा, ऊपर कौन है, आर, और लिफ्ट कहाँ ही, नीचे, तो कौन ज्यादा है, एम जी, और लिफ्ट चली नहीं तो कौन ज्यादा है, बराबर है दोनों। ठीक है, तो देखिए बेटे पहला केस स्टार्ट, इसका फर्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट या एलिवेटर इज एट रेस्ट। पहला केस, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। अच्छे से देखना, एक केस आगे अपने आप करते हुए चलोगे बेटे। आप लगाओ सबसे पहले ये इक्वेशन, सभी में यही लगेगी, नेट फोर्स। नेट फोर्स अभी पढ़ाया आपको, क्या होता है, ज्यादा में से कम। अब आप सोचो ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, रेस्ट में है, ना तो ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, इट मींस ना तो मैं आर बड़ा बोल सकता ना एम जी। अब रेस्ट में है तो आपका मन करे उसमें से उसको माइनस कर, ठीक है, आर में से एम जी को कर दो, एम जी में से किसको कर दीजिए, आर को। और अगर रेस्ट में है तो पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने करवाया, ए जीरो आने के दो केस होते हैं, एक्सलरेशन जीरो कब होती है, या तो आपका मोशन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक जैसे स्पीड से ऊपर जाए एक जैसे स्पीड से नीचे आए, ए जीरो। और दूसरा केस होता है जब लिफ्ट चले ना, रेस्ट में हो, तो बेटे अब आप सोचोगे अगर रेस्ट में है तो एक्सलरेशन कितनी है, जीरो, तो रेस्ट बोले, रेस्ट में एक्सलरेशन कितनी होती, जीरो। अब नेट फोर्स आपको कहा बेटे ऊपर आर नीचे एम जी, बेटे जिसमें से मन करे उससे माइनस कर लो, आर में से एम जी को माइनस कर लो, चाहे एम जी में से आर को माइनस करो, मैंने लिख दिया आर माइनस एम जी। नेक्स्ट स्टेप, नेट फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम इनटू ए बराबर आ गया आर माइनस एम जी। बट आपने कहा अगर बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो, इस जीरो को पुट करो, पुट करूंगा तो पूरा जीरो बन गया, बराबर आर माइनस एम जी।
तो बेटे आर किसके बराबर आया, एमजी। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस आर का नाम क्या है, अपेरेंट वेट, और बराबर इस एमजी का नाम क्या है, एक्चुअल वेट। क्या कहता है, अगर आपकी लिफ्ट अगर आपकी लिफ्ट किसमें है, रेस्ट में, तो कहता है जो मशीन बता रही है जितना वेट नीचे है उतना ही कहां है ऊपर, जो मशीन मेजर कर रही है उसका नाम है अपेरेंट वेट। अभी जैसे रेस्ट में थे, अपना कोई ना कोई मास है, हमने बाहर लिफ्ट से बाहर आके उसको मेजर किया, मेरा इतना वेट है, मैंने काउंट कर लिया मेरा वो वेट कौन सा, एक्चुअल वेट। अब हम लिफ्ट के अंदर बैठ गए, लिफ्ट में जाके मशीन से चेक किया, तो कहते हैं जितना आपका एक्चुअल वेट है उतना ही कौन है, अपेरेंट वेट। कब, जब लिफ्ट किस में है, रेस्ट में। तो ये था इसका पहला केस। ऐसे आप आगे चलोगे, अगर एक केस अच्छे से समझ में आ गया तो प्रॉमिस है अगले वाले केस आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। बस थोड़ा सा जो यहाँ कंसेप्ट चेंज करूंगा वो समझते हुए चलना, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो, देखो बेटे, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, अपवर्ड लिख लेना, डाउनवर्ड दोनों सेम ही आएंगे, मूविंग अपवर्ड विद, दो वर्ड है, क्या बोले, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। बेटे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दैट मोस्ट, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब सेम, एक जैसा मोशन, कि उसकी स्पीड ना तो ज्यादा हुई ना कम हुई, इसका मतलब वी क्या है, सेम। और यहाँ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी लिखी, यूनिफॉर्म मोशन लिखा, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो कैसे भी पूछ सकता है आपसे, यूनिफॉर्मली बोल दे, जैसे इसमें लिखा है व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यही सेम मीनिंग, क्लियर हुआ। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटे आप मुझे बता दो एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा सर जीरो। चाहे आपका मोशन अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड, दो केस ना करवा के एक ही केस करवा, ठीक है, अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड, फर्क अभी बता दूंगा मैं आपको। अभी मैंने अपवर्ड लिखा, इसका मतलब लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, ये एरो लगा दिया। फिर देखो, हमने कहा नेट फोर्स की इक्वेशन लगाते हैं, नेट फोर्स क्या होता है, ज्यादा वाले में से कम को माइनस करो, ज्यादा मैंने कौन सा बताया, जिधर बॉडी जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर ज्यादा खींच रहा है, नीचे आएगी तो नीचे वाला ज्यादा खींच रहा है, इसका मतलब कौन ज्यादा है, आर, कम कौन है, एम जी। तो क्या लिखोगे इसको, आर माइनस एम जी। नेट फोर्स होता है क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, आर माइनस एम जी। बेटे आप अब क्या देखोगे, अब आ जाओ यहाँ पर, किससे चल रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तो क्लियर लिखा ए कितना है, जीरो, तो यहाँ पर जीरो रखूंगा तो कंप्लीट जीरो, बराबर आर माइनस एम जी। बट इक्वल रखोगे तो आर किसके बराबर आ गया, एम जी के। इसका मीनिंग क्या बताया, आर का मतलब अपेरेंट वेट, एम जी का मतलब एक्चुअल वेट, दोनों वेट आपस में क्या है, सेम। कब, जब मोशन कैसा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर बेटे यहाँ डाउनवर्ड बोलता है, अब आप क्या करोगे, केवल यहाँ चेंज करोगे, डाउनवर्ड का मतलब नीचे, नीचे वाला एम जी माइनस आर, एम जी माइनस आर करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, आर बराबर एम जी, या आर माइनस एम जी किया तब भी आंसर क्या है, आर बराबर एम जी। तो बेटे दो या तीन जो भी केस बोलना चाहते हो बोल सकते हो, कि आपका एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट कब बराबर होता है, जब आपके लिफ्ट या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तब एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट ऑलवेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब अगला केस आप चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, अब चेंज होंगे, देखो क्या कहते हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, थर्ड केस, तीसरा नंबर केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, इट मींस उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज। अब एक्सेलरेटेड मोशन आ गया, कि उसकी एक्सेलरेशन आ रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, और एक्सेलरेशन प्रेजेंट कब हुई, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। तो
एक्सलरेटेड मोशन बोल रहा है, किधर अपवर्ड, इसका मतलब अपवर्ड लिखकर कौन बड़ा है, आर। अब अच्छे सुना ये दोनों फेस, नेट फोर्स बराबर आर माइनस एम जी, नेट फोर्स होता कौन है एम ए बराबर आर माइनस एम जी, ए की जगह ए है तो इसको एज इट इज रखूंगा, एम जी को इधर लाओ तो बेटा ये बन जाएगा एम जी प्लस एम ए। समझ में आया इसका मीनिंग क्या है, सुनना, आर अपेरेंट वेट, ये एक्चुअल वेट, बेटा ये कहता है इस आर की वैल्यू 10 है और बीच में सिंबल है बराबर का, इसका मतलब एम जी 8 है तो एम ए 2, कुछ भी मान लिया आप, मुझे बस इतना बताओ क्या ये एम जी 10 के बराबर है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि इस एम जी में कुछ एम ए ऐड होगा तभी वो इसके बराबर होगा, तो आप क्या बोल सकते हो बड़ा कौन है आर या एम जी, बड़ा कौन है आर या एम जी, तो आपका आंसर होगा सर आर बड़ा होगा, आर बड़ा होने का मतलब जो मशीन वेट मेजर कर रही है वो अपेरेंट वेट है, उस बॉडी का अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा ज्यादा, इसको आप ऐसे लिखो एम जी प्लस ए, और अच्छे से लर्न कर लेना, दिमाग में बैठा लेना इस फॉर्मूले को, जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो आप बोलोगे आर बराबर एम जी प्लस ए, और क्या बताया आपने यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं अपेरेंट वेट जो है वो ज्यादा होगा बड़ा होगा किससे, एक्चुअल। पेपर में पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो आप बताइए उसका एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट में क्या रिलेशन होगा, तब आप क्या बताओगे सर अपवर्ड जा रही है तो उसका एक्चुअल अपेरेंट वेट ज्यादा होगा किससे, एक्चुअल वेट से। ठीक है, अब नीचे ले आता हूं, ये एरो ऊपर था, फोर्थ केस आएगा, ये एरो कहां लगेगा, डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब नेट फोर्स आपको क्या पढ़ाया बेटे, लिफ्ट अगर नीचे है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा, इसका मतलब एम जी माइनस आर, एम जी में से आर को क्या कर दूंगा माइनस, देखो mg माइनस आर, अब बेटे इस r को इधर लाऊंगा m ए इधर, तो r बराबर mg माइनस m ए। अगेन सुनिए, अगर r 10 है तो ये दो मानो m ए को, फिर तो 12 माइनस तो तभी 10 होगा, अब बड़ा कौन है mg, पहले बड़ा कौन था r, तो बेटे लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपेरेंट वेट ज्यादा, और लिफ्ट अगर नीचे आती है तो अपेरेंट वेट कम, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटे R इक्वल एम जी माइनस, इसका मतलब क्या हुआ अपेरेंट वेट जो होगा वो लेस देन होगा किससे, एक्चुअल। तो जब बॉडी नीचे आती है तो हम फ्री फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे जो बोर्ड पे लिख दिया है आप ये कर पाओगे, क्लियर हुआ। अच्छा, अपेरेंट वेट आपका कम होगा। एक होता है बेटे फ्री फॉल, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, इसको मैंने ड्रॉप किया, जैसे हाथ से फ्री करता हूं जस्ट माइक्रो सेकंड, जैसे फ्री हुआ उसके माइक्रो सेकंड के बाद इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और जब ए आपकी जी के बराबर आ गई, जैसे फ्री किया ए बराबर जी बन गई, इसको बोलते हैं बेटे फ्री फॉल, फ्री फॉल बॉडी, मतलब किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं, फ्रीली फॉल हो रही है, तो फ्रीली फॉल बॉडी आप बताओ नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी, तो आपका आंसर होगा कहां आती है नीचे। तो नेक्स्ट केस आता है बेटे, फिफ्थ इन फ्री फॉल, इन फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या बताया, उसकी ए किसके बराबर हो जाएगी जी, और आप मुझे बताओ फ्री फॉलिंग बॉडी नीचे आएगी कि ऊपर, तो आपका आंसर होगा सर नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो आर बराबर एम जी माइनस ए के, अभी इस ए को जी के बराबर रखो, जी को ए के, किसी के बराबर कौन सा रख लो, तो आर बराबर एम जी माइनस जी, तो आंसर कितना आ गया, उस टाइम उस बॉडी का अपेरेंट वेट कितना होता है जीरो, मतलब ये डस्टर है इसको मैंने फ्री कर दिया हाथ से, जैसे छोड़ा इसका वेट कितना है जीरो, आपके पास बुक में पढ़ोगे तो ये है चोर, है चोर ने जंप किया तीसरी बिल्डिंग से,
जब दूसरी से क्रॉस हो रहा है तो कोई उसको देख रहा है तो बताओ उसका वेट कितना, 60 किलो का आदमी है ऊपर से आ रहा है और दूसरे विंडो जब देखा ऊपर से नीचे गिर रहा था तो उसका वेट कितना है, तो आंसर क्या आएगा सर, जीरो। अपेरेंट वेट कितना बना, जीरो। एयर में सस्पेंड हो जाता है तो इसका मतलब ए जी के बराबर है, किस टाइप का कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्री फॉल बोलेंगे और अपेरेंट वेट कितना मिलेगा वहां पर, जीरो मिलता है। इसके बाद इसी में एक केस लेता है, इसी में ले रहा है, इफ जो आपका आर आया एम सॉरी जी माइनस ए होता है, ठीक है, डाउनवर्ड का, इफ ए अगर बड़ा किससे हो जाए, जी से, एक्स लिफ्ट के अंदर चल रहे हैं, ये कह रहा है ए की वैल्यू ज्यादा जी की वैल्यू कम, तो जो आपका टोटल आंसर आएगा माइनस का आएगा प्लस का, फ्री फॉल की बात नहीं कर रहा, फ्री फॉल की बात नहीं कर रहा। अब मैं जो पहले वाला जो डाउनवर्ड मोशन था उसी की बात चला रहा हूं, अगर जी माइनस ए, अगर ए बड़ा हो जाए किससे, जी से, तो बॉडी कौन आएगा, आर, आर आपका कैसा आएगा, टोटल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब है वो बॉडी जी पहले डाउनवर्ड एक्ट कर, अब नीचे नहीं कहां ऊपर, तो आप क्या बोलोगे, अगर ए की वैल्यू जी से बड़ी हो गई इस वाले केस में, उस टाइम हम कहां जाके टच करेंगे, लिफ्ट में छत को टच करेंगे, आवर हेड टच टू द रूफ, जो अपनी छत है छत से अपना सर क्या करेगा, टच करेगा। तो ये सारे इसके केसेस थे बेटे, ठीक है। अब भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बता देना, ठीक है, आपको सोल्व करवा देंगे। जो बच्चों की प्रॉब्लम थी ऑब्जेक्टिव वो एक बार जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। बेटे आपकी प्रॉब्लम थी आई थिंक फर्स्ट पहले सबसे पहले था, ध्यान से निकल गई, 12th था एक, तो 12th क्वेश्चन नंबर 12th, ए मैन थ्रोस बॉल इनटू द एयर वन आफ्टर द अदर, थ्रोइंग सबसे पहले वाले दिन दिया बेटे उसकी प्रॉब्लम है, एक मैन ने किसी बॉल को थ्रो किया हवा में वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी, थ्रोइंग वन व्हेन द अदर इज एट हाईएस्ट पॉइंट, बेटे ऐसे का, जब पहली यहां थी तब दूसरी को थ्रो किया, समझना, जब पहली यहां थी जब दूसरी, तो बेटे देखो एक सेकंड का टाइम बोल रहा, एक सेकंड एक मिनट, ही थ्रोस ट्वाइस ए सेकंड, एक सेकंड में दो बार थ्रो कर रहा है, इसका मतलब इस बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, हाफ, आधा सेकंड, तभी दूसरी को थ्रो करेगा, समझ में आ गया बेटे, आपसे पढ़ा है चाहे नीचे से ऊपर जाने का टाइम ले लो चाहे ऊपर से नीचे आने का टाइम ले लो, ऑलवेज दोनों क्या होते हैं, सेम। अब जब ये बॉडी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाले नहीं, ऊपर से वाले देखो, ऊपर से नीचे आएगी तो ड्रॉप बोलते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम कितना है 1/2 सेकंड, आपसे पूछा है क्या है, हाइट पूछी है, तो बेटे ये फॉर्मूला लगा देना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है जीरो, हाफ जी की वैल्यू 9.8 और टी कितना है 1/2 का स्क्वायर, बेटे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, कर लेना। 12th के बाद 15th था, 15th और देखिए, 15th में ये कहता है ये कोई चीज ऐसे ट्रेवल कर रही है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, दूसरी बॉडी ये ट्रेवल कर रही है, एंगल बना 60 डिग्री, और ये कहता है इसको स्ट्राइक होनी है, स्ट्राइक ये डिस्टेंस थी 500 मीटर, 500 मीटर किलोमीटर ही होगी, हाँ, इसकी स्पीड है बेटे इस डायरेक्शन में 100√3, तो आप इसकी वेलोसिटी कितनी मान लो, v2 मान लो, मान ली v2। अब देखना अब क्या करो बेटे, देखो ये 60 है ये 30 है, अगर मैं बीच में एंगल ले लेता हूँ, सुनिए बीच में रिजोल्व कर रहा हूँ, 60 नहीं, ये बीच का एंगल मैंने कितना माना 30, देखो नीचे भी 30 है ऊपर भी 30 है, अच्छे सुनना, नीचे भी 30 है ऊपर भी 30 है, क्लियर, इस स्पीड को क्या बोला आपने v2, ये 30 है तो इसको रिजोल्व करो, देखो ये दोनों पैरेलल हुई या नहीं, बिल्कुल पैरेलल होगी क्योंकि ये भी 30 डिग्री पे है, तो ये भी कितने पे 30 पे, इसको रिजोल्व किया इधर आया v2 cos 30 और ये इसके परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री के ऊपर आ गई, तो ये कोण बनी v2 sin 30। अब सुनो बेटे ये वाली साइड और ये दोनों पैरेलल हैं, एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है, तो स्पीड को क्या रखो इक्वल, इसके 100√3 और ये क्या आगे बेटे v2 cos 30। अब cos 30 कितना होता है, आई थिंक √3/2 होता है, तो बटे v2 कितना आ गया मेरे पास 100 × 2, √3 कैंसिल, 200 मीटर पर सेकंड, किधर आया v2 की वैल्यू आई v2,
ठीक है। अब वो कहता है ये इसको टकराएगी तो डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पूछ रहे स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस पूछ रहे ना अपना। हाँ स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अपने पूछ क्या लिए डिस्टेंस। एक मिनट बेटे, डिस्टेंस नहीं पूछी। एक द ऑब्जर्वर बी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट परपेंडिकुलर, आपसे टाइम पूछा है, डिस्टेंस नहीं। टाइम कितने टाइम के ऊपर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटे ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस 500 दी है अपॉन स्पीड। अब इस डायरेक्शन में स्पीड कौन है, v2 साइन 30। v2 की वैल्यू कितनी थी 200, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। सोल्व कर लेना बेटे, ये आपके पास टाइम आएगा। 15th के बाद बच्चे प्रॉब्लम थी आपकी, हाँ आई थिंक 18 थी। टू ट्रेन आर ट्रेवलिंग ऑन द सेम ट्रैक आर अप्रोचिंग, अप्रोच होता है एक दूसरे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन बिगिंस टू डी एक्सलरेट 2 किलोमीटर। सुनिए बेटे जल्दी से देख, ये 2 किलोमीटर टकराने से पहले, टकराने का मतलब एक 1000 मीटर हो जाएगी, 2 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर पहले ये आके रुकेगी। ठीक है, जिससे चल के आ रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानना, जो रिटार्डेशन है वो ए मानना, और यहां पर आके वी कितनी होगी 0। तो आप फॉर्मूला लगा देना v² - u² = as। v 0 u जिससे चल के आ रही है वो ए की वैल्यू माइनस आनी चाहिए, s 1 किलोमीटर, तो आपके पास ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। u कितना है किससे चल के आ रही है बेटे,